बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी उड़द चने की दाल, अपने तरीके से बनाऊंगी और ये बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत कम मसालों के साथ बनके तैयार हो जाती है। ये दाल इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसे एक बार खाएंगे ना तो आप इसे बार बार बनाएंगे। इसके लिए मैंने माश की दाल ली है आधा पाव, 125 ग्राम। चने की दाल मैंने ली है 2 खाने के चम्मच, जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था ताकि ये दाल जल्दी गल जाएगी माश की दाल के साथ, और इसका पानी मैंने हटा दिया है। सबसे पहले हम माश की दाल को अच्छे से वॉश करेंगे। इस दाल को हमें इतना वॉश करना होगा कि इसमें जो गदलापन होता है ना पानी का, केमिकल होते हैं या पाउडर लगा के रखा जाता है दालों को, वो हट जाए। जब तक दाल अच्छे से साफ़ ना हो दाल को हमें धोना होगा। 2 से 3 पानी लगेंगे वरना दाल आपकी अच्छी नहीं बनती है, और इसे हमें भिगोना बिल्कुल नहीं होगा, बस वॉश करना है, पानी निकाल देंगे और इसे पकाना शुरू करेंगे। दाल को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है 3 पानियों के अंदर, और सारा इसका पाउडर जो केमिकल था वो हट चुका है। अब दाल को पकाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कुकिंग ऑयल, ये मैंने लिया है 3 खाने के चम्मच। इसकी जगह आप घी भी ले सकते हैं, घी में ये दाल बहुत अच्छी बनती है। पहले ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल में पहले हम हींग को डालेंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये दाल की बादी को भी मारती है। अगर आप हींग नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर दें, बहुत थोड़ी सी है, जैसे मसूर की दाल का दाना होता है ना उतनी है। और इसमें कोई हम लहसुन और प्याज यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इस दाल में नहीं डाला जाता है, ये दाल उसके बगैर ही अच्छी बनती है। और देखिए ये खालिस हींग है, ये ख्याल रखें इसे कम से कम ही डालें वरना काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और देखें हींग हमारी पक चुकी है और बिखर चुकी है। अब इसमें हम इसी वक्त डालेंगे दाल, और गैस को अभी हम मीडियम ही रखेंगे। दाल डाल देंगे, पहले हम माश की दाल डाल रहे हैं, साथ ही हम डालेंगे चने की दाल। थोड़ा सा हम दालों को फ्राई करेंगे इसी तरीके से। एक मिनट करीब इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। देखिए एक मिनट करीब मैंने इसको फ्राई कर लिया है। इसी वक्त हम डालेंगे साबित गरम मसाला। देखिए एक मैंने ली है बड़ी इलायची, 2 मैंने लौंगे ली हैं, 1 दालचीनी ली है, और 6 से 7 अदद मैंने ली हैं काली मिर्चें, और 1/2 टीस्पून लिया है सफ़ेद ज़ीरा। इसे हमें ऑयल में नहीं पकाना होगा वरना इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है, और हमें ज़्यादा डालना भी नहीं होगा। 1/2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया है, या फिर आप इसे कूट लें या पिसा हुआ भी ले सकते हैं। 2 हरी मिर्ची ली थी जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून लेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, ये डाल देंगे। दाल के साथ इन्हें हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना होगा 0.5 से 1 मिनट। दाल को हमने 1 मिनट करीब और मसालों को थोड़ा रोस्ट कर लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। एक से डेढ़ गिलास हमें पानी डालना होगा ताकि दाल अच्छे से गल जाए, और दाल को हमें बिल्कुल खुशक नहीं बनाना होगा, थोड़ी सी ये नरम दाल बनती है तभी खाने में अच्छी लगती है। मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, मगर नमक अभी इसमें नहीं डालना होगा, नमक हम इसमें बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। बॉयल आ चुके हैं दाल के अंदर, अभी इसे हम 3-4 मिनट इसी तरह से पकने देंगे। अगर आपने शुरू के अंदर ही चूल्हे को स्लो कर दिया तो इससे क्या होता है कि आपकी दाल जल्दी नहीं गलती है। अभी गैस हमने मीडियम ही रखा है। 4 मिनट हो चुके हैं दाल को इस तरह से पकते हुए, अब यहाँ पर हम गैस को कर देंगे मीडियम से स्लो। दाल को हमें अच्छे से गलाना होगा। अगर पानी खुशक हो जाता है और आपकी दाल नहीं गली है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें और दाल को फिर से पकने दें, वरना ये पानी काफ़ी है। देखिए हल्का सा खुला रखेंगे ढक्कन को हम, और गैस को हमने मीडियम से स्लो की तरफ कर दिया है, और दाल को पकने देंगे। ये दाल 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, बहुत जल्दी गलती है दाल। माश की दाल को अगर आप भिगो देते हैं तो थोड़ा टाइम लेती है गलने के अंदर, प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो जल्दी से बन जाती है। अगर इस तरह से पका रहे हैं तो भिगो ही नहीं, धो के फ़ौरन से डाल दें तो दाल जल्दी गलती है।
देखिए दाल अच्छे से फूल चुकी है और दाल को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इस वक्त हम नमक डालेंगे। अगर शुरू में नमक डाल देते तो दाल देर से गलती है। देखिए मैं अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालिएगा, जितनी नमक आप खाना पसंद करते हैं। नमक डाल के थोड़ा मिक्स कर देंगे, फिर से कवर कर देना है। अभी से हम 5 मिनट का इस तरह से स्टीम लगा देंगे ताकि दाल अच्छे से गल जाए और नमक भी हमारा अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाए और थोड़ी सी इसके अंदर ग्रेवी भी होनी चाहिए, यानी वो खुशक दाल नहीं बनानी होगी, थोड़ी सी दाल ये नरम रहेगी। देखिए दाल इतनी नरम होनी चाहिए, बिल्कुल उसको ड्राई नहीं करना होगा वरना वो फ्लेवर टेस्ट नहीं आएगा। आप देख सकते हैं दाल हमारी कितनी अच्छे से गली है और मैश बिल्कुल नहीं हुई है। देखें एक एक दाना खिला हुआ है दाल का और दाल बिल्कुल मैशी नहीं हुई है। आप इस तरीके से दाल बनाएं, आपको ये दाल बहुत पसंद आएगी। इसमें हम कोई भगार वगैरह नहीं लगाएंगे, तड़का नहीं लगाना होगा। इसको मैंने शुरू में तड़का दिया था हींग का, इसी वक्त हम डालेंगे देसी घी और गैस को हम कर देंगे बंद। 3 खाने के चम्मच मैंने देसी घी डाला है। अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप शुरू में ही 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल का इजाफा कर लें, या आप जो भी घी खाते हैं वो भी डाल सकते हैं। और साथ ही हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है, ये डाला जाता है। दाल हमारी तैयार हो चुकी है, अब इसे हम सर्व कर लेंगे। अगर आप इसमें हींग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं शुरू के अंदर, तो फिर आप लास्ट के अंदर जब दाल आपकी पक जाती है इस वक्त आप इसमें प्याज का तड़का दे सकते हैं, यानी प्याज का भगार दे सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला इस पर हम और डालेंगे। जब भी आप सर्व करें किसी को तो थोड़ा सा गरम मसाला इस पर आप इस तरह डाल कर देंगे तो खाने में मज़ा दुबाला हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने के अंदर। आप इस दाल को बनाएं, लस्सी के साथ, रोटी के साथ सर्व करें। दाल फ्राई तो आपने बहुत खाई होंगी और मैंने भी दाल फ्राई की काफ़ी रेसिपियाँ डाली हैं, माश दाल फ्राई की भी डाली है, चना दाल फ्राई की भी डाली है। ये दाल अगर आप बनाते हैं ना इस तरीके से कम मसालों के साथ तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे।